हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब टीम के बारे में कि कौन से अच्छे ओपनर रहेंगे जो पंजाब टीम से खेलते हुए दिख सकते हैं आईपीएल 2022 में। इसके पहले आईपीएल से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आईपीएल के मेगा ऑक्शन से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आई है, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी रखनी थी और इस लिस्ट में ये बताना था कि कौन से खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में मौजूद हैं और कौन से खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में नहीं मौजूद हैं। जैसा कि हाल ही में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि बीसीसीआई की आईपीएल से जुड़ी एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद बीसीसीआई ने बाहर के सभी कंट्रियों को एक लेटर भेजा था और उस लेटर के दौरान यह पूछा था कि उनके कौन से खिलाड़ी आईपीएल के मेगा ऑक्शन में अपना नाम दे रहे हैं और वो कौन से खिलाड़ियों को भेज रहे हैं अपने देश से, इसकी रजिस्ट्रेशन वो करा दे आईपीएल के मेगा ऑक्शन में और उनका नाम दिया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए बीसीसीआई ने 20 जनवरी तक का टाइम दिया था बाहर के सभी देशों को कि वो 20 जनवरी तक अपने सभी खिलाड़ियों के नाम दे दें। तो उसकी लिस्ट आ चुकी है। अब तक 19 देशों ने भाग लिया है इसमें और 19 देशों की तरफ से 1214 खिलाड़ी नामित हो चुके हैं। मतलब कि 1214 खिलाड़ी आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में मौजूद रहेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें कितने भारतीय रहेंगे और भारतीय में कितने अनकैप्ड और कैप्ड खिलाड़ी रहेंगे और इसके अलावा कौन से बाहर के देशों के से खिलाड़ी खेलेंगे, ये पूरी जानकारी मैं आपको अपनी इस वीडियो में दूंगा। और इसके अलावा बात करेंगे पंजाब टीम के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिए। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। पूरे 1214 खिलाड़ियों की लिस्ट आई है, इसमें 896 भारतीय खिलाड़ी हैं और 318 विदेशी खिलाड़ियों का नाम शामिल किया गया है। हालांकि ये मेगा ऑक्शन की अंतिम सूची नहीं है, अभी इनमें से कई खिलाड़ियों को छांटा जाएगा, उसके बाद जो सूची आएगी, जो लिस्ट आएगी, वही असली लिस्ट रहेगी और उसमें से ही खिलाड़ियों के ऊपर दाव लगेंगे और वही लिस्ट आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में मौजूद रहेगी। ये आईपीएल का प्रोसेस है कि जो पहली लिस्ट आती है उसमें से खिलाड़ियों को छांटा जाता है और उसमें से कुछ ही चुनिंदा खिलाड़ियों को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में रखा जाता है। इसमें 270 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कम से कम एक मैच अपने देश के लिए खेल चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ 903 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कोई मैच नहीं खेला है। इसमें 41 खिलाड़ी ऐसे देशों से भी हैं जहाँ की टीम को टेस्ट क्रिकेट खेलने की अनुमति नहीं है, यह टीम सिर्फ T20 या वनडे मैच खेलती है। अब बात कर लेते हैं कितने कैप्ड और अनकैप्ड खिलाड़ी इस मेगा ऑक्शन में मौजूद हैं। उसमें 61 खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारत के लिए कम से कम एक मैच खेल चुके हैं। इसके अलावा 209 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसके अलावा 41 खिलाड़ी जिनकी राष्ट्रीय टीम के पास अभी भी टेस्ट टीम का दर्जा नहीं है, मतलब कि वो देश है जिनको अभी तक टेस्ट खेलने का परमिशन नहीं दिया गया है। उसमें शामिल है नामीबिया, कनाडा, यूएसए, ओमान, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जिनको अभी तक टेस्ट खेलने का परमिशन नहीं दिया गया है। तो इन सभी देशों से कुल 41 खिलाड़ियों का नाम भी इस मेगा ऑक्शन में मौजूद रहेगा। इसके अलावा 143 भारतीय खिलाड़ी हैं जो पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं लेकिन भारत के लिए नहीं खेल पाए, और इसके अलावा 6 विदेशी खिलाड़ी हैं जो पहले आईपीएल खेल चुके हैं लेकिन अपने देश के लिए नहीं खेले हैं। इसके अलावा 692 भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम इंडिया के लिए कोई मैच नहीं खेला है अभी तक, और आगे हैं 62 विदेशी खिलाड़ी जिन्होंने कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। इन सभी खिलाड़ियों को इस साल के मेगा ऑक्शन में मौजूद रखा है। तो ये पूरी लिस्ट थी 1214 खिलाड़ियों की जिनमें कौन से देशों से किन खिलाड़ियों को रखा गया है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं पंजाब टीम के बारे में। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबर आ रही थी कि जॉनी बेस्टो के पीछे पंजाब की टीम जा सकती है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। इसके अलावा आप सभी लोग कमेंट में भी लिखते थे कि जॉनी बेस्टो के पीछे पंजाब की टीम को जाना चाहिए, पंजाब की टीम के लिए जॉनी बेस्टो बेस्ट रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि जॉनी बेस्टो के बारे में मतलब थोड़ा स्टेट्स आप सभी लोगों को बता दूं कि आईपीएल में क्या स्टेट्स हैं उनके, आईपीएल में कैसा रिकॉर्ड है और T20 में कैसा रिकॉर्ड है। जॉनी बेस्टो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं T20 के, आप सभी लोग आईपीएल में इनको देखते रहेंगे हैदराबाद टीम से। हैदराबाद टीम से अगर ये ओपनिंग करने आते थे, अगर 6 ओवर खेल गए तो समझ लो सामने वाली टीम को तहस नहस कर देते थे। 6 ओवर में ही ये डिसाइड कर लेते थे किसके पाले में मैच रहेगा। अगर चेस करने जा रही है तब तो और दिक्कत हो जाता था ओपोनेंट टीम को, क्योंकि अगर कहीं 6 ओवर में बैटिंग टीम लगा देती है 60-70 रन तो वैसे ही सामने वाली टीम बॉलिंग टीम की हालत ख़राब हो जाती है। तो जॉनी बेस्टो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं T20 के, और ये किसी भी टीम में जाएंगे तो अकेले अपने दम पर जिता सकते हैं किसी भी टीम को। तो पंजाब टीम के लिए बहुत अच्छा विकल्प रहेंगे जॉनी बेस्टो।
जॉनी बेस्टो के आईपीएल स्टेट्स और टी20 स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं। जॉनी बेस्टो ने आईपीएल में कुल अभी तक 28 मैच खेले हैं और 28 बार इनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। इन्होंने 41 की औसत से 1038 रन मारे हैं और इनका स्ट्राइक रेट 142.19 का और इनका सर्वाधिक स्कोर है 114 रन। इन्होंने एक शतक लगाया है और 7 अर्धशतक लगाए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। इसके अलावा इनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में कुल अभी तक 63 मैच खेले हैं और 63 मैचों में इनको 57 बार बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। इन्होंने 26 की औसत से 1190 रन बनाए हैं और इनका स्ट्राइक रेट 135 का और इनका सर्वाधिक स्कोर है 86 रन। इन्होंने 7 अर्धशतक लगाया है। इनके रिकॉर्ड्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे खिलाड़ी हैं जॉनी बेस्टो टी20 के। तो पंजाब टीम के पास मौका अच्छा है कि आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में जॉनी बेस्टो के पीछे जाए और बड़े दाव लगाकर अपने टीम में ले। जॉनी बेस्टो अगर पंजाब की टीम में आते हैं तो महक अग्रवाल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। वो एक तरफ से संभाल के भी खेल सकते हैं और दूसरी तरफ से जॉनी बेस्टो तेज खेलेंगे। तो दोस्तों पंजाब टीम को बहुत फ़ायदा होगा जॉनी बेस्टो के आने से। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।